करता हूँ। हम सब लंबे समय तक संपर्क में रहे हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे मणिपुर में कुछ वर्षों काम करने का उसका मौका मिला और उसमें उत्तर पूर्व के लोगों से संपर्क का अवसर मिला, उन्हें समझने का मौका मिला। और वो जो अनुभूतियाँ हैं, आज जब मैं देश का पर्यटन संस्कृति मंत्री हूँ तो मुझे गर्व होता है कि शायद मैंने उत्तर पूर्व में काम ना किया होता तो मैं अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा संस्कृति के मामले में शायद नहीं समझ पाता। मैं तो एक बात में बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी गतिशीलता में लोगों ने परिवर्तन किए। किसी ने वेशभूषा छोड़ दी, किसी ने भाषा बदल दी, किसी ने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया। तमाम नकल करते हुए लोगों ने अपने अपने रास्ते पर लोग गए और लोगों ने उसको प्रगति माना। लेकिन मैं सबसे पहली बधाई अगर किसी उत्तर पूर्व के लोगों को दूंगा तो मैं इसी बात को लेकर दूंगा कि आप वो लोग हैं जिन्होंने अपनी भाषा नहीं बदली, अपनी वेशभूषा नहीं बदली, अपना नृत्य नहीं बदला, अपना गायन नहीं बदला, अपना भोजन और खान पान नहीं बदला। संस्कृति इसी को कहते हैं और वो पहचान हर राज्य की अपनी अलग अलग है। मणिपुर जाइए, मणिपुर की अपनी पहचान है, उसकी अपनी वेशभूषा, अपना नृत्य, अपनी भाषा, अपना भोजन। वो एक पत्तल में 50-60 प्रकार के व्यंजनों का स्वाद, उसकी दिव्यता आज भी मानस पटल पर जस की तस दिखती है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा मैंने किसी और राज्य के मैं ऐसा नहीं देखा। मैं नागालैंड गया, नागालैंड के उनकी अपनी पहचान, अपना नृत्य, अपने कपड़े के आधार पर यह फैसला हो जाता है कि नागाओं में भी आप किस टाइप को बिलोंग करते हैं। मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल, सिक्किम और आसाम। मैं एक दूसरी बात और कहना चाहता हूँ कि अगर इसको नस्ली तौर पर ना लिया जाए, जो हमारी संस्कृति कहती है कि सेवन सिस्टर्स कहा जाता है। जब भी हम कभी बहन के स्वरूप को देखते हैं तो हम लोग उनके गुणों की बात करते हैं। संवेदनशीलता हमारी बहनों में होती है, प्रेम, वात्सल्य, अपनापन और सबके साथ निभाने की जो ताकत है वो नॉर्थ ईस्ट की ताकत है। मैं इसलिए आपसे बड़ी विनम्रता के साथ मैं कहूँगा कि आज पूरी दुनिया कोरोना के संकट से जूझ रही है, लेकिन हम लोग अभी लगातार इस बात की समीक्षा करते रहे। कल जब मैं मंत्रालय में पहली बार बैठा था बहुत दिनों बाद, तो जो चर्चा हुई उसके पहले मैंने राज्य के मंत्रियों से भी बात की थी। एक स्वाभाविक, जिसकी शायद कोई कल्पना नहीं कर सकता, अभी भी अनिश्चितता का दौर है। हम सबको संयमित होकर इस लॉकडाउन का समर्थन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग की चिंता करनी है। लेकिन ये तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों का गुण है, वो स्वानुशासन के रहने के आदि है, उनकी अपनी मर्यादाएँ हैं, उनकी अपनी परंपराएँ हैं और उसका परिणाम भी आज दिख रहा है। परिणाम साफ साफ दिखता है, आप हिमालयन स्टेट्स कहिए या नॉर्थ ईस्ट विशेष करके कहिए, आपको वहाँ पर कोरोना से पीड़ित लोगों की संख्या दिखेगी नहीं। और मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ, जो संवाद में आपस की चर्चा में भी मैंने कही है, बैठकों में कही है, कि नॉर्थ ईस्ट सेफ नॉर्थ ईस्ट के रूप में उभर कर सामने आया। अगर सिक्किम है तो सेफ सिक्किम, सेफ नॉर्थ ईस्ट। अरुणाचल है तो सेफ अरुणाचल, सेफ नॉर्थ ईस्ट। त्रिपुरा है तो सेफ त्रिपुरा, सेफ नॉर्थ ईस्ट। अगर मेघालय है तो सेफ मेघालय और सेफ नॉर्थ ईस्ट। नागालैंड है तो सेफ नागालैंड और सेफ नॉर्थ ईस्ट। मणिपुर है तो सेफ मणिपुर, सेफ नॉर्थ ईस्ट। अगर मिजोरम है तो सेफ मिजोरम, सेफ नॉर्थ ईस्ट। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी सफलता है। दूसरी चीज़ एक और देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि जिस प्रकार से मौसम है उसमें गर्मी है पूरे देश में, उस भीषण गर्मी में कहीं ना कहीं
अगर कोई डेस्टिनेशन है तो वो डेस्टिनेशन सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट है। मैंने स्टेक होल्डर्स के बारे में भी पूछा है कि कौन तैयार होगा ऐसी परिस्थितियों में, तो सबसे पहले अगर कोई बात आई तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने कहा वहाँ के स्टेक होल्डर्स तैयार हैं, वहाँ पर मई और जून में होने वाले कार्यक्रमों के लिए वो तत्पर है। बात आती है कि अप्रोच कैसे होगी। मैं आसद अटल जी को पूरे सम्मान के साथ मैं स्मरण करता हूँ कि क्या विजनरी लोग थे जिनने आपकी ताकत को पहले से देख लिया था, पहचान लिया था और उन्होंने संकल्प लिया था कि नॉर्थ ईस्ट को मजबूत किए बगैर देश कभी वैभवशाली नहीं हो सकता। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व हम सबको मिला है। इस कोरोना की लड़ाई के बीच में एक बात बड़ी साफ उभर कर सामने आई, हमारे नेतृत्व की दूरदर्शिता, प्रधानमंत्री के नेतृत्व की दूरदर्शिता। और जब मैं ये बात कहता हूँ तो वो चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है जो चीज़ें सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी। आज अगर कोई लोकार्पण कर रहा है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। उनने उसको और गति दी, उन्होंने कहा लुक ईस्ट नहीं, एक्ट ईस्ट, कुछ करिए। सड़क हो, रेल हो, उड़ान के माध्यम से राज्यों को जोड़ने की कोशिश हो, चाहे हम कितनी भी बातें करें तो कनेक्टिविटी नहीं होगी, आने जाने के साधन स्मूथ नहीं होंगे, हम पर्यटक को लुभा नहीं सकते। लेकिन एक फ़र्क आपको भी दिखता होगा अटल जी से लेकर अब तक, आपको वो लगता होगा कि एक समय नॉर्थ ईस्ट जाने में लोग हिचकते थे। मैं डरने की बात नहीं कर रहा, लेकिन हिचकते ज़रूर थे। लेकिन ये पिछले 5 वर्ष और ये गुजरा हुआ वर्ष नॉर्थ ईस्ट के लिए 4 चांद लगा के चला गया। आप जैसा सौंदर्य कहीं नहीं, चाहे प्रकृति का हो और चाहे व्यक्तियों का हो, आप जैसी विनम्रता कहीं नहीं, आप जैसा परिश्रमी लोक नहीं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो अपनापन है, इस अपनापन को देखने के लिए दुनिया तरसती है। लेकिन अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो लोग पहुंच नहीं सकते, यदि अंतर्विश्वास नहीं है तो लोग जा नहीं सकते। पर्यटन के लिए ज़रूरी है कि अंतर्विश्वास हो। सुंदरता तो है, सुंदरता तो और भी जगह पर होगी, लेकिन अगर भरोसा नहीं होता तो लोग वहाँ पर जाते नहीं हैं। और इसलिए पर्यटन की कसौटी पर अगर कोई सबसे अहम बात होती है तो वो भरोसा होती है। मुझे लगता है वो भरोसा आज उत्तर पूर्व के लोगों ने जीता है, पैदा किया है। कुछ घटनाएं हुई हैं, इससे हम दुखी, गम जैसे लोग दुखी हुए, भारत सरकार उसको कष्ट हुआ, दुख हुआ। वो तमाम लोग, राष्ट्रवादी लोग जो अपना परिवार मानते हैं, भारत माता को अपनी माता मानते हैं, उनके बच्चों के साथ में जब कभी भेदभाव हुआ तो चाहे वो कहीं भी हुआ हो, हम सब तकलीफ में थे, हम सबको दुख हुआ। और जो हम मदद कर सकते थे, जिस ताकत के साथ खड़े हो सकते थे, हम वहाँ खड़े हुए। लेकिन आज एक अनुकूल वातावरण बना है और वो वातावरण इस बात को कह रहा है कि हमारे वो नॉर्थ ईस्ट के बहनों और भाइयों की जो तपस्या थी वो फलीभूत होते दिखती है। अगर जंगल किसी ने संभाल कर रखा, सर्वाधिक जंगल, हरा भरा और सुंदर जंगल, तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने संभाल कर रखा। अगर संस्कृति की विभिन्नता किसी ने संभाल कर रखी तो वो उत्तर पूर्व के लोगों ने संभाल कर रखी। अगर भोजन की विविधता की बात आएगी तो वो किसी के पास होगी तो नॉर्थ ईस्ट ही कहलाएगा। अगर मैं बायोडाइवर्सिटी की बात करूं, अगर मैं प्लांट वैराइटीज़ की बात करूं, मुझे अच्छे से मणिपुर का स्मरण आता है कि बांस के जितने प्रकार अकेले मणिपुर में हैं वो पूरे देश में नहीं। और इसलिए मुझे लगता है कि कितनी चीज़ें गिनाई जाए, हम उन सांस्कृतिक धरोहरों को साथ रखने वाले लोग। और इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि ये दौर है, इस दौर में एक तरफ और अनिश्चितता का घोर अंधकार दिखता है, वो अहंकार चकनाचूर होता दिखता है जिनको साधनों पर बहुत भरोसा था, जो प्रकृति से दूर होकर अपने संसाधनों, भौतिक संसाधनों की दम पर अपने आप को सर्वोच्च बनाने का दावा करते थे, आज वो त्राहिमाम कर बैठे। लेकिन भारत जैसा देश जहाँ पर आबादी का घनत्व ज़्यादा है, जहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएँ कम हैं, लेकिन हम भाग्यशाली हैं तो हमारा नेतृत्व इतना सबल है, इतना दूरदर्शी है कि उसने
इस भारत माता की सेवा करने में अपने आप को तत्पर कर दिया। और जो फैसले उन्होंने लिए वो दूरदर्शी फैसले आज भारत के जनमानस की रक्षा कर रहे हैं। मित्र, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसी परिस्थिति में आपकी पहचान और उभर कर आई है। आप कभी सोचिए, आपने शायद सोचा या नहीं सोचा, मैं नहीं जानता, लेकिन नदियाँ तो देश में हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में नदियाँ जितनी स्वच्छ और सुंदर हैं क्या बाकी लोग संभाल कर रख पाए? ये संस्कृति, ये सामर्थ्य अगर किसी के पास में है तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के पास में। अगर कोई अच्छा जंगल देखना चाहे और उससे पूछा जाए कहाँ जा सकते हो या उसको बताया जाए, मैं आपसे भी कहूँगा कि आप अपनी आईडी पर, आप अपने सोशल ग्रुप्स पर इन बातों को डालिए। ये समय है, प्रधानमंत्री जी ने जब कहा था कि हर व्यक्ति को 2 साल के भीतर 15 स्थानों पर जाना चाहिए, तभी आदरणीय प्रधानमंत्री की अगर मंशा थी तो मंशा यही थी कि लोग नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएं। उन्हें स्पष्ट रूप से कहा था कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाना चाहिए। मैं नॉर्थ ईस्ट घूमा हूँ, आपको दुनिया के किसी देश में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आप देखने के लिए बाहर जाते हैं वो सब कुछ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में है। अलग अलग राज्य की अपनी अपनी विशेषताएँ, अपने अपने उनकी पहचानें हैं। आप वहाँ पर जाइए, उनके बीच में रहिए तो आपको पता चलेगा कि दुनिया कितनी सुंदर है। इस सुंदरता भर के लिए नहीं, उनकी आत्मीयता का अनुभव आपको होगा। सिक्किम जैसा हिंदी भाषी राज्य, अरुणाचल जैसा हिंदी भाषी राज्य। मैं कमेडियन के टूर में भी गया हूँ, मैंने चीन की बॉर्डर पर जाकर भी देखा है क्या निष्ठा, क्या समर्पण भारत माता के प्रति, अपनी परंपराओं और अपनी पूजा पद्धति के प्रति। मैं उन सबको नमन करता हूँ और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि जीवन का कष्टकारी क्षण भी उनको विचलित नहीं कर पाए। और इसलिए मैं उत्तर पूर्व के तमाम लोगों से निवेदन करूँगा, आप हमारे भाई बहन हैं, हम सब इस अवसर का लाभ उठाएं। मैं देख रहा हूँ दूर तक, जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो कहाँ जाएंगे देश में, कैसे जाएंगे, कौन तैयार है? तो मुझे एक ही चीज़ दिखती है, हिमालयन स्टेट्स, उत्तर पूर्व के वो राज्य जिन्होंने अपने आप को सुरक्षित घोषित कर रखा है, बचा कर रख पाए हैं वो अपनी संस्कृति की धरोहर के दम पर। आज फिर से भारतीय संस्कृति की सर्वोच्चता का मान दुनिया ने माना है। आज वो परिस्थिति बनी है जिस परिस्थिति के सामने लोग नतमस्तक हो रहे हैं, वो है हमारे प्रधानमंत्री, हमारी आयुष की परंपरा, हमारी चिकित्सा की पद्धति, हमारा अपना खान पान, हमारा अभिवादन करने का तरीका, ये सब कोरोना को नष्ट करने के प्रतीक बन गए। जब कोई नमस्ते कहता है तो उत्तर पूर्व के राज्य जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं असम के साथ, वो अपने आप उनके पहले शब्द को जोड़ें तो नमस्ते पूरा हो जाता है। नमस्ते में का एन नम एन नागालैंड हो सकता है, ये आसाम, एम के लिए तो मणिपुर, मिजोरम से लेकर मेघालय तक, उसके बाद में एस से सिक्किम, टी से त्रिपुरा। और मुझे लगता है कि नमस्ते की जो स्पेलिंग है अंग्रेजी में वो तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के पहला नाम पूरा कर देता है। और इसलिए मुझे लगता है सूरज जहाँ से उगता है वो हमारा उत्तर पूर्व, उसकी अपनी सुंदरता, उसकी अपनी सुरक्षा, उसका अपनी संस्कृति, वो सब ने ये बात साबित कर दी है। तो उसी का परिणाम है कि आप सुरक्षित क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आए। अगर देश का कोई भी पर्यटक जो विदेश जाना कतई नहीं चाहेगा, शायद उसको विदेश जाने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ेगी, अभी 6 महीने से ज़्यादा वर्षों तक शायद वो हिम्मत न जुटा पाए, लेकिन एक आश्वस्ति आपने दी है और वो आश्वस्ति है कि उत्तर पूर्व सुरक्षित है, उत्तर पूर्व सुंदर है, उत्तर पूर्व संस्कृति है। और इन तमाम बातों को लेकर वो पर्यटक यहाँ पर आ सकता है। इस दूर अंचल में जो चीज़ें आपके पास हैं उन वो धरोहर भारत माता का मान बढ़ाती है। और इसलिए मैं इस अवसर पर ये मानता हूँ कि जिन हमारे विद्यार्थी परिषद के मित्रों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, आज उनके लिए भी उनको भूल पाना मेरे लिए संभव नहीं है। वो संस्कार से जीने वाले लोग, भारत माता के सेवक समझने वाले लोग, मैं उन युवाओं के बारे में से कितने कहूँगा, वो युवा का मतलब होता है ऊर्जा। वो ऐसे युवा हैं जिनके मन में सदैव नई सद्भावनाओं की ज्योति जगती रहती है, उनके मन में नए सपने हैं,
नई सोच है, नया विकास का भाव उनके मन में है, नए विषय उनके मन में पनपते रहते हैं और नए आयाम के साथ वो भारत माता की सेवा में सतत लगे रहते हैं। उन तमाम विद्यार्थी परिषद के लोगों ने ही ये मौका मुझे दिया कि मैं उत्तर पूर्व के उन नौजवान भाइयों और बहनों से बात कर सकूं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपकी ज्ञानशील एकता की का वो मंत्र निश्चित रूप से भारत माता को मजबूत करेगा। ज्ञान का मतलब यही होता है कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को दुनिया जिस भी कसौटी पर कसना चाहे, हम उसे देखें, परखें और उसमें सफल हों। इस आपदा में भी हम पूरी ईमानदारी के साथ एक सफल जीवन शैली वाले लोग साबित हुए हैं। मेरा विश्वास है कि दुनिया के लोग अगर किसी देश को सुरक्षित मानेंगे तो वो मेरा अपना प्रिय देश भारत माता होगी। अगर भारत के भीतर कोई सुरक्षित क्षेत्र जो सबसे पहले कोई जाना चाहेगा तो वो उत्तर पूर्व ही होगा। वो हमारी सेवन सिस्टर्स होंगी। जाने का रास्ता आसाम की धरती से होगा। मैं आप तमाम लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप संस्कृति के झंडा बरदार भी हैं और पर्यटन की अगुवा के रूप में भी आज सामने हुए हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूँ जो उन्हें संस्कृति और पर्यटन मंत्री बनाकर मुझे ये कहने का अधिकार दिया है कि मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि आप संस्कृति के झंडा बरदार भी हैं और पर्यटन के अगुवा भी हैं। मैं आपके लिए शुभकामनाएं देते हुए कहूँगा आप इसके वाहक बनिए, आप इसकी अगुवाई करने वाले बनिए और भारत माता की सेवा में जुट जाइए। कि कोई भेद ठहरेंगे नहीं, आपकी योग्यता, आपकी प्रतिष्ठा, आपका सामर्थ्य अव्वल था, अव्वल है, अव्वल रहेगा। कई बार अतीत हमारा अच्छा होता है लेकिन हम लापरवाही में अपना वर्तमान और भविष्य नष्ट कर देते हैं। मैं तो उसे प्रार्थना करता हूँ, नार्थ ईस्ट का अतीत भी अच्छा था, वर्तमान बहुत अच्छा है और भविष्य और भी सुंदर होगा। इस शुभकामना के साथ फिर से सभी को नमस्कार, खुरम जरी, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। भारत माता की जय।